लोकसभा चुनाव 2019 में सिनेमा जगत से कई चेहरे राजनीति का दामन थामते नजर आए। जहां कुछ सेलिब्रिटी पहली बार राजनीति में उतरे थे तो वहीं कुछ पहले से सक्रिय थे। अभिनेता से नेता बने सनी देओल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए गुरदासपुर सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ को मात दी। वहीं अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जीत दर्ज कर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी देश भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाली 43 साल की स्मृति ईरानी सबसे युवा मंत्री हैं। तो दूसरी ओर सियासत के नजरिए से बेहद अहम उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के रवि किशन को बड़ी जीत मिली है। भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सितारे रवि किशन बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक अपने टैलेंट का जलवा दिखा चुके हैं। उधर चुनाव जीत कर 17वीं लोकसभा का हिस्सा बनी मिमी चक्रवर्ती की सोशल मीडिया में जमकर चर्चा हो रही है। उन्हें सबसे खूबसूरत सांसद बताया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मिमी चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के अनुपम हजारे को हराया। वहीं पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में राजनीति में अपना डेब्यू करने वाली बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां भी काफी छाई हुई है। यहां उन्होंने न सिर्फ अपनी जीत दर्ज की है बल्कि अपनी खूबसूरती को लेकर भी सुर्खियों में है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।